हे हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से स्मार्ट नेटवर्क में। तो हम लोग बात करेंगे कुछ लोगों को पंचायती राज विभाग में लेटर मिला है फ्रेंड्स। और हम लोग बात करें तो आपके मन में सवाल होगा फ्रेंड्स कि न्यू वाला वैकेंसी है या फिर पुराना वाला जो इन लोगों को जिसमें मिला है ज्वाइनिंग। और साथ ही साथ बात करेंगे 8067 पर न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, अधूरी जानकारी आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तेईस तारीख का ये लेटर है। टोटल यहाँ पे चार लोगों को जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर आप देख सकते हैं तीन लोगों का और एक फीमेल का, जिसका कि नॉट फाउंड बता रहा है, जो एससी फीमेल है, कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स जिसका डाटा नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, इसीलिए नॉट फाउंड बता रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, शायद मेरे वीडियो से किसी का हेल्प हो जाए तो आप भी किसी का मदद कर सकते हैं। अगर आपका नाम है तो अच्छी बात है, या आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार का नाम है तो उनको आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। अगर उनको विश्वास ना हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उसके साथ, इस वीडियो के लिंक उसको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस लेटर में ऊपर में आप देख सकते हैं यह लेटर पंचायती राज विभाग की तरफ से आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला कैंडिडेट का नाम है रंजीत कुमार, दूसरा कैंडिडेट का नाम है पंकज कुमार, तीसरा कैंडिडेट का नाम है राजेश कुमार। ठीक है, और यहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट है जिसका यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहा है। अगर हम लोग बात करें कि न्यू वाला वैकेंसी है या 8067 में इन लोगों को मिला है, तो यह बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये पुराना वाला वैकेंसी है, क्योंकि न्यू वैकेंसी में अभी बात चल रही है कैबिनेट में। ठीक है, कैबिनेट में पैसों का जुगाड़ कर रही है सरकार अभी फिलहाल। तो पहले वाला जो यहाँ पे पंचायती राज विभाग से 52 कैंडिडेट था जिनका प्रोसेस चल रहा था, उन लोगों में से ऐसे कुछ लोगों का हुआ है यहाँ पे। उर्मिला का अगर कॉल रिसीव नहीं किया होगा इन लोगों ने, ठीक है, उनके बाद दूसरों को मिला है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक बात फ्रेंड्स, लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि न्यू फॉर्म कब तक आ सकता है, बेल्टन न्यू रजिस्ट्रेशन का कब निकलने वाली है। ठीक है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्या आप एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम का तैयारी करोगे? क्या फॉर्म भरने के बाद ही आप लोग तैयारी करना शुरू करोगे? तो फ्रेंड्स आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को तैयारी करने का समय ही नहीं मिलेगा, आपको तैयारी करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद एक दो मंथ एग्ज़ाम लेना चालू कर देगा, एक दो मंथ बाद। ठीक है, तो एक दो महीने में आप क्या तैयारी करोगे आप लोग खुद बता सकते हैं। बेल्टन जो भले ही ज्वाइनिंग में देरी करती है फ्रेंड्स, लेकिन एग्ज़ाम और रिजल्ट दो महीने के अंदर करवा लेती है। ठीक है, बेल्टन वैकेंसी आने से पहले एग्ज़ाम से लेकर पैनल तक तैयार करके रखती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी करना शुरू कर दीजिए और टाइपिंग भी बना के रखिए। मैं आपको बता दूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन कभी भी आउट हो सकती है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर जब कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मैं इस चैनल पर अपडेट दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, जिससे कि वेल्टन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।